अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मरियम सदीक, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको इतनी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ना मेकअप की कि आप कहेंगे वाकई बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। तो जो मेकअप है वो पार्टी मेकअप होगा, वेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप वो वाला मेकअप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल इजी एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको मेकअप नहीं आता तो भी, अगर आता है तो भी, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है, ठीक है, और हर किसी की आइज़ की जो शेप है वो भी अलग होती है। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करना, पूरा देखना। और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। चले जी, अब मैं वीडियो की तरफ चलती हूँ, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, मेकअप में जो है हम सबसे जो पहले आपका स्टेप होता है वो है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आप कोई सी भी अपनी स्किन टाइप का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन निविया का मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी, सॉफ्ट। ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स पे है, यानी कि हर स्किन पे ये सूट करता है। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ये स्टेप्स आपने ज़रूर कर रहे हैं। पहले मैं भी समझती थी ये स्टेप बस एवें ही हैं, टोटले हैं, लेकिन वाकई ही इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। अब मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा स्टे देने के बाद, एक दो मिनट का, फिर मैं यूज़ करूँगी अब परफेक्ट प्राइमर। ब्यूटी फाइबर आमना का है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आप रिवाज यूके का भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पोर्स हैं तो परफेक्ट प्राइमर यूज़ करेंगे। थोड़ा सा लूँगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आपने ये चीज़ लेनी। आपको जहाँ जहाँ स्वेटिंग होती है, जहाँ जहाँ ऑयल आता है वहाँ पे आप लगाएंगे, या जहाँ जहाँ क्रीजिंग होती है वहाँ पे आप लगाएंगे, ठीक है, लाइंस वगैरह पड़ती हैं। फेस पे लगाने के बाद थोड़ा सा स्टे देंगे एक दो मिनट का, ठीक है, ताकि पेनिट्रेट हो जाए आपकी स्किन के अंदर प्रोडक्ट। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी। यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से, यानी कि वेट करके, आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैं टॉवल से इसको स्क्वीज़ कर रही हूँ। और ये देख रहे हैं मेरे पिंपल्स के निशान हैं, पिंपल्स ये मुझे इसी हफ्ते में निकले हैं। तो मैं ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ऑरेंज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑरेंज कलर की लिपस्टिक या रेड कलर की लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो आप, बहुत ज़्यादा फेयर है तो पीच कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा गंदुमी कॉम्प्लेक्शन है तो आप ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं लूट्स पाउडर के साथ सेट करूँगी, ताकि जब मैं बेस लगाऊँ या कोई फाउंडेशन लगाऊं तो ये उसके साथ मैच ना हो जाए। सेट हो गया है, अब जो है मैं बेस लगाऊंगी फाउंडेशन एले गर्ल और एपीके की फुल कवरेज फाउंडेशन को। इन दोनों को एक एक पंप को लेके दोनों को मिक्स करूंगी, डॉट डॉट करके आप अपने फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं, वो जो वेट ब्लेंडर था उसकी हेल्प से मैं इसको डैब डैब मोशन करके इसको सेट कर लूँगी। मेक श्योर आपने फाउंडेशन को जो है, ये ब्लेंडर जो है इसको टैप टैप करके, टैप कहते हैं, डैप कहते हैं, आई डोंट नो, जो भी है, तो आपने इस तरह से करके इसको अपने फेस पे ब्लेंड कर लेना अच्छे तरीके से, जब तक के ब्लेंडिंग ना हो जाए। ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसको अच्छे से, जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतनी ही आपकी लॉन्ग लास्टिंग बेस होगी। मेक श्योर आपने प्रोडक्ट को ड्रैग नहीं करना इसको, यहाँ जी इस तरह से आपने नहीं करना, टैप करना है, ठीक है। और आइज़ पे मैं थोड़ा कम कम लगाऊंगी, आइज़ के अंडर, आइज़ के ऊपर, सॉरी आइज़ के ऊपर भी लगा लूँगी एंड अंडर आइज़ के नीचे भी। मेक श्योर अपनी नेक को मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू नेक। और अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आपको बुकी ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट मिनिमम चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा फुल कवरेज आजकल फाउंडेशंस नहीं चल रहे हैं। मेरी फाउंडेशन अच्छे से सेट हो चुकी है, ये देख लें। अभी मैंने कंसीलर नहीं लगाया और ना ही मैं लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, लूज़ पाउडर लगाऊंगी क्रिस्टाइन का, बेक करूँगी अपनी अंडर आइज़ को, ताकि मेरी अंडर आइज़ क्रीजिंग ना करें, लाइंस ना पड़ें। ये यानी कि करना होता है आपने, ताकि आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है, जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो आपने कॉम्पैक्ट पाउडर पहले लगाना है, कॉम्पैक्ट पाउडर, उसके बाद आपने ये लूज़ पाउडर लगाना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भी ये चीज़ नहीं लगानी होती, क्योंकि आप कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं तब भी आपकी लाइंस आ जाती हैं, ठीक है, नॉर्मल क्वांटिटी। अब मैं आईब्रोज़ को सेट करूँगी। ये पैलेट है जिसमें शिमर, शाइन, यानी कि मैट शेड, हर शेड अवेलेबल है। इससे मैं डार्क ब्राउन एंड ब्लैक शेड को एंगल ब्रश की हेल्प से जो है अपनी हल्का हल्का प्रोडक्ट लेके यूज़ करूँगी। अब ये देखें आईब्रोज़ किस तरह से बनाई जाती हैं। आईब्रोज़ जो हैं, ये देखें, सबसे पहले मैंने अपना जो आर्च होता है बहुत ज़्यादा आगे से स्टार्ट नहीं की, प्रोडक्ट बीच में से अपनी आईब्रो को स्टार्ट किया है, ठीक है, ताकि जो है मेरा, हमारा आगे प्रोडक्ट ना लगे, ठीक है, आगे ज़्यादा फिल नहीं करते।
सबसे पहले मैंने मिड से स्टार्ट किया और स्ट्रेट लाइन बनानी है। अगर आपने लाइन झुकी भी बनाई तो आपकी आई ज़रा थोड़ी सी क्लोज लगेंगी, ठीक है। इसलिए स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बनानी है आपने, और उसको आपने अपनी लाइन के अकॉर्डिंग उसको बनाते चले जाएं और नीचे लगाएं लाइन एंड ऊपर लगाएं, बीच में से फिल कर दें, ठीक है। मेक श्योर कि अपनी आईब्रोज की शेप के अकॉर्डिंग ही आपने लगाना है, और ज़्यादा लंबी करेंगे अगर आपकी ये जगह यानी कि आपकी आईज़ की स्पेस बीच में कम है तो बहुत ज़्यादा लंबी आईब्रोज ना बनाएं, उससे आपकी जो स्पेस है वो और कम हो जाएगी, इसकी वजह से आपको मेकअप करने में यानी कि प्रॉब्लम होगी। स्पूली की हेल्प से, देखिए मैंने आगे प्रोडक्ट नहीं लगाई थी, स्पूली की हेल्प से जस्ट उसी प्रोडक्ट को मैं ब्लेंड कर दूंगी तो वो आगे बॉक्स नहीं लगेगा बना हुआ, नेचुरल आईब्रोज लगेंगी। ये चुटकी से आईब्रोज भी सेट हो गई दूसरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, APK का वही वाला फाउंडेशन लिया और अपनी आईलिड को प्राइम करूँगी, ठीक है, जिनकी डार्क होती हैं आईब्रोज। देखिए देखें ये स्टेप इसलिए है कि हमारी जो मैं जो भी प्रोडक्ट लगाऊं, मैं जो भी कलर लगाऊं, वो खिल के आए, खुल के वो यानी कि जो आईज़ को बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 से 5 ब्रशेस की ज़रूरत है। एक ये पतलू सा ब्रश चाहिए होता है, ठीक है, एक फ्लैट ब्रश चाहिए होता है हमें, और एक हमें चाहिए होता है ये ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है, और एक स्पूली ब्रश, दैट्स इट, और एक ये एंगल ब्रश, 5 यानी कि हमारे पास होने चाहिए। ये मिस रोज का मेरे पास सिल्वर कलर का हाइलाइटर है जिसको मैं ब्रो बॉन को हाईलाइट करूँगी, ये इसलिए कि हमारी आईज़ थोड़ी ना यानी कि अच्छी लगती है, यानी कि बड़ी भी लगती है और खुली खुली भी लगती है, और जब हम साइड से देखते हैं ना तो बहुत अच्छा यानी कि एक लुक आता है। यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट करने लगी हूँ, मस्टर्ड शेड एंड लाइट ब्राउन कलर का जो शेड होता है उसको आप ये देख लें कि मैं किस तरह से करती हूँ। सबसे पहले ये जो आपकी बोन होती है ना, जहाँ पे आपने ये सिल्वर हाईलाइट लगाया, उसे थोड़ा सा नीचे आपने रख के ना अपनी सॉकेट लाइन से ऊपर, ठीक है, सॉकेट बनानी है, सॉरी, ठीक है। ये इस चीज़ पे आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट शेड लगाना होता है, पहला ट्रांजिशन शेड, ठीक है। उसके बाद जो हम डार्क कलर का शेड लगाते हैं वो हम अंदर वाला जो हमारा लाइन वाला पार्ट होता है ना उधर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रखूँगी अपने शेड को सबसे पहले, ठीक है, ब्लेंडिंग ब्रश के जो प्रोडक्ट मैंने लिया है, और उसको इस तरह से मैं ब्लेंड करूँगी, सर्कुलर मोशन एंड राउंड मोशन, ठीक है, इस तरह से लाइट। बिल्कुल आप ये देख लें कि मैंने ब्रश को पीछे से पकड़ा हुआ है, बिल्कुल आगे से नहीं पकड़ना है, ब्रश को पीछे से पकड़ के हल्का हल्का आप घुमाते चले जाएं, और मेक श्योर लिड के बीच तक बस प्रोडक्ट आना चाहिए, मतलब आपका जो शेड है ना आई शेडो वो लिड के बीच तक आना चाहिए, ज़्यादा आइज़ को पूरी आइज़ कवर नहीं करनी, उसे हाफ आइज़ तक कवर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ आउटर कॉर्नर से लेकर, अब यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन कलर का शेड लिया है और पतलू जो ब्रश था उससे मैं अपनी ये वाली लाइन बनाऊंगी, ठीक है, सॉकेट जो क्रीज लाइन होती है ना वो बनाऊंगी ये पतले से ब्रश के साथ। डार्क ब्राउन कलर का शेड लिया है और उसको मैं ये देख लें, यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन शेड होता है। अब यहाँ पे मैंने अपना डार्क कलर का शेड यहाँ पे देख लें, आउटर कॉर्नर पर सबसे पहले मैं प्रोडक्ट रखती हूँ एंड फिर उसको अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड करके और बाकी जो मेरे ब्रश पे लगा रह जाता है उसको मैं आगे की तरफ ड्रैग कर। अब ये मैंने डार्क ब्राउन और ट्रांजिशन शेड लगा लिया, अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और इन दोनों के बीच में जो हार्श लाइन है ना उसको ख़त्म करूँगी, ठीक है। अब वो देखते हैं कैसे करती हूँ मैं, ये देखें, अब इसको सर्कुलर मोशन में राउंड मोशन में करते जाएँ, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान की जो हार्श लाइन है वो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लेंड हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्रीज यानी कि वो बनाने लगी हूँ, क्रीज लाइन बनाने लगी हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से। अगर आपके पास कंसीलर है तो कंसीलर भी बना सकते हैं। अब ये देखिए मैंने पहले इनर कॉर्नर पे लाइन लगाई, ठीक है, अब मैं बीच में एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, ऊपर की तरफ देखूँगी, ऊपर की तरफ देख के अपनी आईबॉल को ना साइड पे ऊपर साइड्स पे ना घुमाऊँगी, ठीक है। इससे मेरी क्रीज लाइन जो है ना वो हमारी कोई भी आईज़ की शेप है ना, हमारी क्रीज लाइन जो है ना हमें मिल जाती है, गाइडलाइन मिल जाती है। और उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से इसको सेट कर लूँगी, ताकि ये जाहिर सी बात है फाउंडेशन है तो ये चिपचिप करेगी, तो इसलिए मैं इसको ड्राई करने के लिए
सेट करने के लिए इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर दूँगी और एंगल ब्रश के ऊपर डार्क ब्राउन कलर का शेड लेके उसको क्रीज लाइन के ऊपर लाइन बना दूंगी ताकि मेरी जो क्रीज लाइन है वो प्रोमिनेंट हो। उसके बाद मैं क्या करूँगी, गोल्डन कलर का शेड ले लें या फिर आप गोल्डन कलर का शेड लूँगी, कोई भी ले लें, आप गोल्डन ले लें, आपका जो ड्रेस का कलर है आप ले सकते हैं, गोल्डन, ब्लू, ग्रीन, रेड, कोई भी, ठीक है, जो आपके ड्रेस में कलर हो। इनर कॉर्नर पे मैंने गोल्डन कलर का शेड लगा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से गोल्डन, अगर आप चाहते हैं ना आपकी पिगमेंट बहुत अच्छी आए तो आप फिंगर से ब्लेंडिंग करें और हल्का साना फिंगर को वेट करके गीले पानी के साथ उसको लगाएंगे तो आपकी पिगमेंटेशन आपके बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। और बीच में मैंने ग्रीन कलर का शेड हल्का सा अप्लाई कर लिया और उसके सॉकेट को ना नीट करूँगी, कोई सा भी ब्रश लेने आप पतला सा, उसके साथ मैं ब्राउन कलर का जो डार्क ब्राउन कलर का शेड है उससे नीट करूँगी, ठीक है। ये मेरी आईज़ डन हो गई यहाँ तक यहाँ पे डन हो गई आईज़। अब यहाँ पे मैं ग्लिटर लगाऊंगी, ग्लिटर आपकी चॉइस है, आप गोल्डन लगाएं, मैं ग्रीन एंड सिल्वर को मिक्स करके सिर्फ बीच में लगाऊंगी, ज़्यादा इनर कॉर्नर पे नहीं लगाऊंगी, सेंटर ऑफ द लिट पे लगाऊंगी, ठीक है, जहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का शेडो लगाया। यहाँ पे आप ग्लिटर्स को यूज़ करने के लिए सीलर भी अप्लाई कर सकते हैं, सीलर इज़ बेस्ट ऑप्शन होता है, इससे आपकी क्रीज लाइन नहीं आती ना ही आपका कहीं जाता है। अब मैं दूसरी आँख पे ना दूसरी तरह का मेकअप करके दिखा रही हूँ कि अगर आपने ग्रीन कलर का नहीं करना तो इनर कॉर्नर पे हल्का सा ऑरेंज करके बीच में आपने क्या करना है, गोल्डन कलर का शेड लगा के ऊपर आप कोई सा भी ग्लिटर लगा लें, आपकी दो तरह की आँख बन सकती है। वही बात आ गई कि आप कलर्स के साथ खेल सकते हैं, कोई भी शेडो अपना अप्लाई कर सकते हैं जो आपके आउटफिट के अंदर है, जो आपके ड्रेस के अंदर शेड है, ठीक है। जो है मैंने कहा डिफरेंट करूँ थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने ग्रीन वाली आईज़ ही रखी, ठीक है। अब मैं वही जो मैंने ट्रांजिशन शेड ऊपर लगाया था वही मैं नीचे लगाऊंगी, लोअर लैश लाइन के नीचे छोटा सा पतला ब्रश लेके लगाऊंगी। इसके बाद अब मैं लाइनर लगाऊंगी। लाइनर जो है मैं आपको बताती हूँ कि अपने अपनी आईज़ से थोड़ा सा, जितनी आपकी आईज़ की शेप है उसे थोड़ा सा बाहर करके लगाना है, ठीक है, पूरी और हाफ लिड तक पहले लगा लें। आप ये देख लें कि मैंने कितना बाहर रखा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब इसको मैं लेके यहाँ से लाइन पकड़ूंगी और उसको आईब्रो के आर्च यानी कि जो एंड है उसे पीछे पीछे थोड़ा सा ना लाइन लगा दूंगी, मतलब कि जितना मुझे विंग चाहिए, ठीक है। उस विंग को मैं अटैच कर दूंगी जहाँ पे मैंने लिप तक यानी कि लाइन लगाई थी। इसको अटैच करने के बाद अच्छे से नीट कर लूँगी, उसके बाद जो है मैं बीच में से इसको फिल कर दूँगी, ये मेरा लाइनर क्रिएट हो जाएगा। विंग लाइनर जो कि काशीज़ का होता है सेम इसी तरह से ही वो बनाते हैं। और उसके बाद मैंने लैशेस लगानी है इसलिए मैं अपनी लैश लाइन के साथ साथ बिल्कुल लगाऊँगी, मोटा लाइनर नहीं लगाऊँगी, ठीक है, और उसको नीट कर दूँगी। लाइनर मेरा अच्छे से अप्लाई हो गया, अब मैं करूँगी मस्कारा अप्लाई। मैबेलिन का लैस एसेंशियल मस्कारा यूज़ करूँगी, ठीक है। इसको इसलिए अकॉर्डिंग करूँगी क्योंकि ये इसलिए ताकि हमारी लैशेज यहाँ पे लग गया, ये किस किस के साथ मसला है और मेरे साथ तो हर बार यही होता है, और इसको मैं एंड में ठीक करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं कंटूरिंग का तरीका बता रही हूँ, लाइट ब्राउन कलर के शेड से, अब डार्क ब्राउन कलर के शेड नहीं चलते कंटूरिंग के लिए, लाइट ही चलते हैं ताकि हार्श लाइन्स ना लगें। लाइट कलर का ब्राउन कलर का शेड लूँगी और उसको नोज एंड लेडी फिंगर पे रख के ब्लेंड करूँगी और उसको नोज पे लगाऊंगी। ये देखें इसको कंटूरिंग को ना आपने हमेशा ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, नीचे की तरफ ड्रैग नहीं करना, ठीक है, इस तरह से करके। ये इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छी डेफिनेशन आ जाती है और ये जो है ना ये चीज़ों को कवर किया करें ताकि आपका फॉरहेड भी छोटा लगे और दूसरी बात ये है कि अच्छा लुक आए। अब मेरा फेस थोड़ा सा ओवल है तो मैं क्या करूँगी, इधर कलमे है ना हमारी, इससे इधर तक ही रहना है बस, आपने इधर तक, इधर इतने में इतना डिस्टेंस होना चाहिए लिप्स और इधर, अगर आप इधर तक आएंगे तो आपका फेस पतला लगेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ तक नहीं आना, बस यहाँ तक मैक्सिमम वो होनी चाहिए, इतनी इतनी सी आपने कंटूरिंग की लाइन रखनी है, ठीक है। यहाँ पे ब्लश आए ब्लेंड होनी चाहिए आप, ये जो लाइन है ना इसको ब्लेंड होना चाहिए, ठीक है। मैं लॉरियल का यूज करूंगी, इनका लेवल का पीच, इसका है शेड 160 पीच है, कंटूरिंग है, ये हमारा ब्लश होना चाहिए, ठीक है। ये देखें लाइक दिस, और ब्लश को हमेशा इस तरह से रखें, इस तरह से करें ताकि आपका फेस जरा लिफ्टेड लगे। देखिए अब मैं करके दिखाती हूँ, और हल्का सा जो रह जाता है उसको जरा यहाँ पे कर लें, ज्यादा यहाँ पे करेंगे तो वो पैच लगेगा, बस इधर तक। ये देखें
आप खुद देख लें ये इसमें और इधर में कितना फर्क है। ब्लश और कंटूर में भी कोई हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है? ठीक है, अगर आपका बड़ा फेस है तो आप ब्लश ऑन थोड़ा ज्यादा लगाएंगे, अगर आपका छोटा फेस है और अगर आपने ब्लश ऑन ही बहुत ज्यादा लगा लिया है तो आई थिंक कि आपके फेस के ऊपर सिर्फ ब्लश ही नजर आ रहा होता है, ठीक है? तो जब हम कंट्रोल करते हैं यहाँ से, अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमारी यहाँ से अगर हम शेडो को यहाँ तक यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो हमारी ये चीज़ बड़ी लगने लग जाएगी, ठीक है? ये वाली चीज़ बड़ी लगने, अगर आपकी ये वाली चीज़ बड़ी है तो आप थोड़ा सा शेडो नोज के इधर भी लगाएंगे, ठीक है? इधर के साथ साथ इधर भी हल्का सा कि शेडो लगे बस, ज्यादा नहीं। अब जिनको अपने लिप्स की यानी कि शेप नहीं बनानी आती, वो आउटलाइन से पहले आउटलाइन करें, लिप्स को थोड़ा सा दबा लें, ठीक है? उसके और अपनी लिप्स की गाइडलाइन के साथ साथ अपने लिप्स को कंटूर कर लें। और यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा ली और यहाँ पे मैं मरियम परवेज़ की अब लैशेस लगाऊंगी, ठीक है? देखिए लैशेस को हमेशा इस तरह से फोल्ड कर लिया करें ताकि वो आपके आईज़ के अकॉर्डिंग हो जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि आपको इजी भी हो जाता है। अब लैशेस को आपने यूं नहीं, थोड़ा सा उठा के लगाना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यही यहाँ पे मैंने कोई पार्ट को कट नहीं किया, देख लें कितनी जल्दी लैशेस लग गई हैं। और यहाँ पे मैंने जो है क्रिस्टाइन की ग्लू यूज़ की है और इसको चिपका दिया है और लैशेस, और यहाँ पे जो है मैं अपना स्पूली की हेल्प से जो मस्कारा मुझे गलती से लग गया था वो मैंने रिमूव कर लिया। और लैशेस को थोड़ा उठा लें ताकि आपकी आईज़ जो हैं वो थोड़ी खुली खुली लगें। ये मेरा काशिस का था जो मैंने फर्स्ट डे लिया और फर्स्ट डे सेकंड डे ये टूट गया था, ठीक है? तो प्रोडक्ट ऐसे ही टूट जाती हैं, यकीन करें, मेरी एक और प्रोडक्ट टूट दिन मैं लेकर आई थी उससे अगले दिन ही ये टूट गया था। और बिलीव मी, इस मेकअप को करते करते मेरा प्रोडक्ट जो है एक और टूट चुका है, जो कि मैंने आईब्रो बॉब ऑन पे अभी आपको मिस रोज का दिखाया था ना, वो ये है ना, ये नीचे गिर के टूट चुका है। अब मैं कैमरा उठा के आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन वो टूट चुका है, क्या कर सकते हैं। ये वाली प्रोडक्ट हाइलाइटर जो होता है ना, अगर आप हाइलाइटर को यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे ना तो आपका फेस जो है ना अप्लाई करना, थोड़ा सा कभी यहाँ पे भी अप्लाई करके देखना, यहाँ पे हल्का सा, बिल्कुल ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। ये देखिए अब आपको ना पता चलेगा कि हाँ भाई वाकई, अलावा जहां जहां दिल करता है कर लें, लेकिन मेक श्योर आप अगर आपके बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं तो आप अगर हाइलाइटर यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं ना इधर, तो आपके ओपन पोर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो जिनके ओपन पोर्स बहुत ज्यादा हैं वो हाइलाइटर को थोड़ा कम यूज करेंगे, और जहां जहां ओपन पोर्स हैं वहां पे थोड़ी मैट फाउंडेशन को यूज करेंगे और पाउडर्स को, ठीक है? या ज्यादा ही मुंह पे चढ़ा दिया मैंने कसम से, बहुत ही मुंह पे चढ़ा दिया मैंने, बहुत मुंह पे चढ़ा दिया है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। इस पे जो है ना मैंने व्हाइट कलर की क्रिस्टाइन की पेंसिल यूज की है, जो कि इतनी कोई खास तो नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आप इसकी जगह क्रायलोन की अगर आपके पास स्टिक है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर जिनका कलर बहुत ज्यादा फेयर है ना, अब ये इस येलो लाइट में मेरा कलर थोड़ा डल लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मेरा रियल में कलर इससे ज्यादा फेयर है, तो अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है तो आप व्हाइट कलर की आई पेंसिल लगाएंगे। अगर आपका नॉर्मल यानी कि सही है कलर, यानी कि गंदुमी कलर है, तो आप न्यूड कलर की पेंसिल अप्लाई करेंगे, न्यूड कलर की पेंसिल अप्लाई करेंगे। ये नहीं है हाइलाइटर है, अगर आपकी सावली कलर की स्किन है तो आप जो हाइलाइटर है ना वो आप गोल्डन कलर का यूज करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा यानी कि आपका रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी व्हाइट कम्प्लेक्शन है बहुत ज्यादा, तो आप सिल्वर कलर का हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिल्वर कलर का हाइलाइटर यूज करेंगे गंदुमी स्किन के ऊपर या जिनकी डार्क स्किन होती है तो वो थोड़ी देर बाद ग्रे लगेगा। ओके, यहाँ पे मैंने आउटफिट जो है वो चेंज कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मेकअप कितना प्यारा लग रहा है, काशी इसकी जो लुक होती हैं उनसे भी तकरीबन मैच कर रहा है, इसी तरह से उनकी लुक्स होती हैं। और मेक श्योर अगर आपको अच्छा लगे ये, आप बारात वलीमा मेहंदी जिस पे भी चाहें, ये पार्टी वेयर है, आप जिस फंक्शन पे चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है? इसको मेकअप को कर सकते हैं इजीली। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आएँ तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और अगर आपने मुझसे कुछ सीखा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा जी, अपनी फीडबैक का इजहार ज़रूर कर। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए मुझे ज़रूर बताया करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।
यहाँ पे मैं आपको रिंग लाइट के बगैर मेकअप दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादा आपको क्लियर मेकअप नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको ये मेकअप अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करें।